मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है, या नारा मुस्लिम जब देंगे तो आप चौंकेंगे। मुस्लिम बीजेपी को वोट करने की ओर नहीं सोच सकता, लेकिन बीजेपी के नेता इससे हार नहीं मान रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से मुस्लिम मतदाताओं को अपने पास लाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा दिन का समय नहीं रह गया है, ऐसे में हर पार्टी जोरों शोरों से चुनाव की तैयारियों में लग गई है। इस बीच देश के अल्पसंख्यक समुदायों का दिल जीतने के लिए बीजेपी यूपी अल्पसंख्यक मोर्चा एक विशेष अभियान शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में स्थित प्रमुख धर्मस्थलों जैसे दरगाह, खानकाह और मस्जिदों के पास पोस्टर आदि लगाए जाएंगे। इसके लिए खास नारा दिया गया है, जिस बारे में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा यूपी के अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने खुद जानकारी दी है। साथ ही आज लखनऊ की हजरत कासिम शहीद की दरगाह से इस अभियान की शुरुआत भी कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार सबका साथ सबका विकास और सबको विश्वास की बात करती है, तो आज अल्पसंख्यक समाज को बड़ी तादाद में लाभ हुआ है, लाभार्थी है। और हमने जो हमारी दरगाहें हैं, मस्जिद हैं, खानकाहें हैं, मदरसे हैं, इस तरह की जो जगह हैं उनके आसपास हम अपना कैंपेन चला रहे हैं कि ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है और एक बार फिर से मोदी सरकार। ये ख़ास तौर से उर्दू में इसलिए बनाया गया है क्योंकि करोड़ों लोगों की भाषा आज भी उर्दू है और जो लोग उर्दू को जानते हैं, उर्दू को पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं उनका उर्दू से लगाव है, हमें उन्हीं की भाषा में उन्हीं के द्वारा कैंपेन उन्हीं की बात पहुंचाएं तो उससे अपरत होगा। और देश के अंदर आप आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद नारों का खास महत्व रहा है किसी भी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए, तो आज मुसलमान कह रहे हैं कि न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है, तो निश्चित रूप से जब भाई की भूमिका में हम लोग होंगे, छोटे भाई और बड़े भाई की भूमिका में होंगे, तो आने वाले टाइम में ये देश का माहौल और खुशनुमा होगा। और जो सपा बसपा कांग्रेस के द्वारा मुसलमानों को बहकाया गया, भटकाया गया, बरगलाया गया, उसको बर्फ पिघलाने का और रिश्तों को बनाने का काम करेंगे। हम कहीं भी ऐसी जगह नहीं जा रहे हैं जहां कोई विरोध हो। हमें मुस्लिम मोहल्लों के अंदर अपने कार्यकर्ताओं के दीवारों पर और उन खानकाहों पर के आस पास जहाँ मुस्लिम मोबिलाइजेशन है, मुस्लिमों का आना जाना है, उनकी वहाँ से खास लगाव है, उसके आसपास इस कैंपेन को चलाएंगे ताकि लोगों की नज़र पड़े, लोगों के नज़र में हमारा कैंपेन आए। और आज हमने इसकी हजरत दरगाह, जो दरगाह है तो यहाँ लखनऊ की, बहुत हजरत कासिम अली शाह शहीद बाबा, उनके यहाँ से इस अभियान को शुरू किया है क्योंकि यहाँ देश के बड़े बड़े राजनीतिक आए हैं, उन्होंने दुआएं कबूल हुई हैं। हम भी इस दुआ के साथ कि एक बार फिर से मोदी सरकार और देश के अंदर अमन कायम रहे, जो लोग मुसलमानों को बहकाने का भटकाने का काम करते हैं उनको फिर से हार मिले और मोदी जी को जीत मिले, इस अभियान को शुरू कर रहे हैं। पार्टी की कोशिश है कि इस तरह वे प्रदेश के सभी मुस्लिम भाइयों के साथ जुड़ेंगे और उनको पीएम मोदी की योजनाओं के बारे में भी बताएंगे। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।